आपको बता दें कि बहेड़ी में कैंसर पीड़ित व्यक्ति के साथ अलग ही मामला नजर आया, जिसमें पत्नी ने अपने भाइयों से कैंसर पीड़ित पति को पिटवाया, जिससे उसके सर में गंभीर चोट आई। कैंसर पीड़ित इजाज ने बताया कि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी और घर की चाबियां भी ले गई। उनकी कुछ तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो कस्बे में ही अपना ससुराल पत्नी से पैसे मांगने पहुंचे, तो वहां पर पत्नी ने भाइयों ने घेर कर उन्हें जमकर पीटा, जिससे उनके सर पर गंभीर चोट आई और वो जिस दिन से जिला अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करा रहे। मामले की तहरीर जब थाना पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके सर में पट्टी बंधी हुई है, क्या मामला हुआ है? ये झगड़ा हुआ था ससुराल। अच्छा, किस बात पर मारा, क्या बात हुई? वीवो से पूछने का जो कैसे हुए थे हमारे, वो चाबी ले गए। अच्छा, तो सर में कैसी चोट है? सर में सर दर्द बहुत हो रहा है, कोई बहुत चक्कर से चक्कर आ रहे हैं और बहुत परेशान हो रहा। अच्छा, मीडिया के जरिए प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही आग्रह करेंगे सर, अभी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं, हमारा कोई पता नहीं है, कैंसर पेशेंट हैं, दो दिन चार दिन का हमारी हमें पेशाई करी हुई, हम इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रमीर अहमद। कहाँ के रहने वाले? दहेड़ी। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये है कि भाई हमारे कैंसर पेशेंट हैं, इलाज के पैसे के मतलब मांगे थे, बीवी के पास पैसे रहते हैं, चाबी उनके पास थी, तो वो चाबी लेने के लिए गए थे, तो हमारी भाभी के घर वालों ने, भाइयों ने, सब ने मिलकर इनके ऊपर हमला कर दिया और मारा कूटा है ना। कैंसर पेशेंट है हमारा भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं मीडिया के जरिए? आप हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे भाई के साथ इंसाफ हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले।